करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, मैनु नहीं चाहिए तो हटा है सारा। एक लाइन छोड़ी है मैंने, सीधा कह दे मेरे पे कितने साइज चाहिए आपको। अरे मरो, दो या तीन बस। हाँ कम डाला था, कम नहीं खाता मैं, नमक खाने से पता नहीं क्या होता। नहीं चाय क्या कह रही है? चाय तुमने बना लिया अब तो? नहीं हो? नहीं बनाओ ना। तो वो एग्स तो उसके फिजान बना रहे, तुमने मेरे ख्याल है रोटी बनानी। और ये जो स्लाइसेस हैं उमर, ये वाले ये रह गए हैं, बस इनको वेल डन कर दें तो मैं और आप शेयरिंग कर लेंगे ना इसकी। ये एक चम्मच चीनी डालने का है और एक चम्मच मिक्स करने का है, जो भी करें। एक डालिए इसमें 6-8 अंडे और 5 अंडे और बनने। ये लीजिए नेहा। ठीक है उमर, अब आपके बना रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मेरी प्लेट है, मैंने अभी की प्लेट में रखी है। नहीं नहीं ब्रेड थोड़ी खाएगी, ब्रेड अभी है 14 मेरे। अरे बेटा सुनी नहीं, ऊपर से गिरा दो सारी गिरा दे बेटा। एंड ऑफ ब्रेड में से फिर वो ऐसा पूरी किया। नमक में इसको ऐसा मुझे तंग नहीं, तो इसमें करना, इसमें ही करना सारा करना। बहुत ठंडी हो जाएगी। नहीं वो हो गया होगा, वो गलत कर रही है। बस वो आ गया, चाय नहीं पी जाएगी, वो आ गया उसी में। इसमें कर लेते देखो, तो बात मैं धो लूंगी अपने बर्तन। डोंट टेक टेंशन। फिर मैंने तेरी वेरी कहा, अभी भी करना होगा। ऐसे घुमा, वैसे घुमाती ना उसको। ऐसे क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं चाय, क्या नाश कर रहे हैं। बचपन में मामा अम्मा स्कूल जा रहा था, वो पीना भी ठीक। हां ब्रो यही लग रहा है मुझे। हम तो इखलाकर नाचते हैं 10 मिनट नहीं। यार वो हदीका जानी की आवाज है। आपने मेरे को पता नहीं चलता गाने का, मैं थोड़ी देर बाद सोचती हूं डांस करूंगी इस पे, फिर मैं भूल जाती हूं। तो आगे कैमरे को ऐसे रिपीट रिपीट कर दिया कर, इसलिए तो पूछ रहे हैं। ये गल एक ही पे हुई थी, ये एक ही गाने पे। कप 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 सुने दो भी गाना भाई जी, दो भी गाना नहीं, लेकिन ऑयल सही टाइम में, बिल्कुल सही टाइम में। उसे पता है यार जुगल प्रोग्राम कहाँ शुरू होता है। लेकिन वजीर साहब ये तो गलत बात है ना, आपके अगर एक बंदा सोने चला गया और लाइटें बंद हो गई, फिर आप उसकी नींद का ख्याल ना रखें। मैं तो बोलते नहीं बात, जो बात है जो बात। किसी और को चाय चाहिए तो आ जाएं। जो बात
क्या? एक बंदा सोने चला गया और बाकी रानी जो है अलाप दे रहा हूँ। अच्छा सारी रानी के लाभ मुझे आवाजें सारी आपकी आई हैं। अच्छा मेरी आई हैं, मुझसे लंबे लंबे अलाप उम्मीद नहीं लगा। वो पहले लगा था आपके आइटम के बाद वो सोने गई है। नहीं नहीं उम्मीद जब आप वो कर रहे थे ना तो मेरी आवाज और उमर के दो गाने सुन के गई हूँ और मैं बुद्धा के आई गई हूँ। उसके बाद दानिश जो अलाप लगे वो एक गाना मेरा एक गाना ना दानिश भाई जो बंदा डर के अगर आवाज दे दियो कर दिया और सारे बातों में लगे। मैंने कहा अल्लाह रहम करे कोई लड़ पड़ा क्या हुआ क्या है ना ये यू रुके है ना फोन में लेफ्ट अब मैं ना पिछले दो में सारा मास्टर शॉट देख रहा था। अजय मेरी आवाज गई भी होगी तो और अच्छी नींद आ गई होगी। हाँ भाई आपकी आवाज आपकी आपका वाला अलाप मेरे कानों तक पहुँचे नहीं। आपकी इतनी ऊंची आवाज नहीं तुम्हारा अलाप उस तक नहीं पहुँचे यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप बताओ रानिश आज अगर गाएंगे तो अंडर गाएंगे कि आज हो सकता है हमारी आखिरी रात हो सकती है। तो ये दरवाजा प्लीज बंद करके ये इतना तो हम कर ही सकते हैं। भाई ने बहुत मोड़ लगा दिया तो हमने हवा के लिए लाइट्स ऑफ होने के बाद जागना भी और दूसरों को डिस्टर्ब भी करना और दरवाजे भी खोलने अपने कम्फर्ट लेवल के लिए। यार ये तीनों तीनों लग्जरीज नहीं मिल सकती। कल तो फैजान भी जाते हैं। फैजान ने बड़े अलाप लगाए कल। ये तो एप्रिन पहनकर ही आ गई ना पर इसने जो लगाया वो तो बहुत ही कमाल था। अरे तीन मिनट कर लिया यार ये कोई भेड़ा हुआ ये मेरी फूके कल बर्फ को नहीं पिघला सकी तुम्हें जरूर ठंडा कर देंगी। मैं तो सोच रहा था कि मेरे पसीने गिर देखा हम दोनों एक सुर पे सोचते रहते थे। तो गिर के और जम रहे थे। देखा हम दोनों एक सुर पे सोचते रहते थे। तो गिर के और जम रहे थे। मुझे तो लगा कि है बर्फ गिरा दी अरुबा कोशिश कर अरुबा अपने बाथरूम में चली गई चाय पीने। नहीं मैं नॉक कर देंगे आपको नहीं है ना मैं नॉक करूंगा तो मेरे दो मिनट पूरे जाएंगे चाय ले गई फिर भाई चाय ले जाए ना साहब ठंडी सी जाए उसकी ठंडी करवा दी। हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा बर्फ डिसबैलेंस क्यों सुबह में नहीं है इतनी तमीज से पकड़ा था मैंने उसे गिरने वाली मेरी ही ना इसलिए बहुत प्यार से गिरी वो पी लूंगे ये बात है। आपसे शुरू किया जाएगा फिर उमर भी रहेगी तो रूबा भी रहेगी। नहीं नहीं यहाँ डाइनिंग टेबल पे नहीं करेंगे यहाँ बैठ जाएंगे आज भले। तुसी सुनते लेना सी मैं की के पता है ये नाश्ता खत्म करने के बाद प्ले प्लेटें धोने के बाद वो जो कल का एक हमारा खूबसूरत जी जी है जूने जो क्रिएटिव हमें 1 मिनट लेफ्ट ओके मैंने मेरी चाय आधी रह भी गई और मुझसे पी भी नहीं जा रही थी इतनी गर्म लग रही थी मुझे पीने का मजा आता है इतनी गर्म भी नहीं हो ना पी ना जाए यार शाहबाज वजीरे यार शाहबाज वजीरे मैं अपने बर्तन प्राउड ऑफ यू मैं बर्तन आके धोऊंगी मैं यहाँ रख के जा रही हूँ सबके सामने वरना खाली कप पे भी भरे हुए का बगाड़ लग सकता था पहले आज चाय पी ली अली से क्या बात है मुबारक हो नताशा वाओ गुड जॉब गाइस गुड जॉब वाओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 2 1 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 3 2 1 यस तालियां यार आज पहले ही घंटी बज गई हमारे कुछ काम धंधे हैं हमें जा पहले दो सेकंड नहीं सर वो शीशे में फिर मुझे शायद नजर आ रहा कुड़ी के कपड़े थे चार डोलती इस हाल में
ऐसे ही रहेगा क्या तेरे हाथ ब्रो? ऐसे ही रहेगा धुलवा ले वजीर की ऑफर पे इनकार नहीं करते बच्चे। थैंक यू। गाना नहीं गा सकते? बचपन में तालीम और तरबियत पढ़ता रहा है। गाना नहीं गा सकते? बचपन में तालीम और तरबियत पढ़ता रहा है। नजर आ रहा ना बंदा, वो बोला यार पहन लो बस, टाइम नहीं है। शरीर इतना बुरा हो रहा था कि जिप नहीं खुली थी बैग। उस वक्त तो आप फेमस के बाद ब्याज सिले हुए थे, इतनी पक्की बनवाई हुई थी माशाल्लाह से। कौन से बर्फ खाने में गए थे? वो बहुत टाइट बर्फ खाना था। देख लिया पिछले सीजन में? आपका नाम है ना शीशे में देखा? आप मुझे शीशे में देख रहे हैं, मैं आपको शीशे में देख रहा हूँ। आप मुझे शीशे में देख रहे हैं, मैं आपको शीशे में देख रहा हूँ। मुंडी घुमाऊं कसम है। कल रूबा को मैंने डराया ना, रूबा ऐसे खड़ी हुई डिस्पेंसर की तरह मुकर के, मैं आया खड़ी में खामोश था, यहाँ पर बैठा से आने की कोशिश कर दी ना, मैंने शीशे में देख लिया, वो झुक के पीछे जा रही है, मैं यूँ चलाई गया। कल ना मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा था, कल मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा था। कह रहा था मैं आपसे, बस ये हो रहा था, डर मुझे ये लग रहा था, मैंने कहा मैं आपको बोलूं, क्योंकि अगर तो कोई भी उंगली ऐसे खड़ी लग गई ना, नहीं अगर खड़ी ऐसे लग गई, खड़ी भी लग गई तो वो बोन आपकी ये फ्रैक्चर, ये देखे ना यार ये बॉल खड़ी लगी इसमें, ये आज तक नहीं सही हुआ। मैंने सरफराज को जब दिखाया ना, मैं देखे यार ये ठीक हो सकता है, उन्होंने यूं किया, कह रही है देखो ये ठीक हो सकता है, उनकी सारी उंगलियों में नॉट बना, ये अगर सूज जाए ना तो ये बैठता नहीं है, ये ऐसी रहता है सारी उंगलियां। चलें आजा, मैं बस ये चलें आजा, मैं बस ये सरफराज पहले हमारे इलाके में था ना, बफर जोन में रहते हैं, तो बफर जोन में तो बाद में गए बहुत। अच्छा, डाकखाने पे इनकी उसकी स्टेशनरी की दुकान थी, स्ट्रगल ब्रदर डाकखाने पे इनकी उसकी स्टेशनरी की दुकान थी, स्ट्रगल ब्रदर्स इनके अब्बा शंकर ये भी बैठता था सरफराज में। Thank you.
आजमीन की दुकान है मेहंदा खाने में, शंकर ब्यादा से बहुत अच्छी चलती थी। जो सिक्स जोन के चेयरमैन भी है जिया भाई, वो दोस्त है हमारे। ये कहीं पकड़ते हैं, मैं लोशन लगा के आ रहा हूँ हाथ में। बाहर बैठते हैं। की ख्याल है, लेकिन खुदा का वास्ता चिपली वाला स्प्रे मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इतनी चिपली है, नहीं मर रही वो, नहीं इतनी है, कितनी मारेंगे? हाँ, कितनी मारेंगे? दानिश भाई आपको कहीं चिपकली देखी आपने? नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इन 42 डेज में हार्डली धूप देखी है। मौसम ही ऐसा रहा तो बारिश तो वैसे हो ही नहीं कहीं पर। नहीं, हल्की फुल्की हुई है वो, एक दूसरा बूंदा बांदी आ जाए। बारिश शायद कहीं आसपास तो हुई होगी, इतनी सी एरिया में हमें बारिश का पता भी तो नहीं चला। हाँ, ये भी तो होता है, गुलशन में बारिश हो रही है। हाँ, मदीन में नहीं हो रही। और दूसरा वो अगस्त तो वैसे भी बरसात का महीना होता है। हमने हर 14 अगस्त में झंडियाँ लगाई हैं और फिर बारिश और गीली हो जाती है, आटे की लही बनाकर। इतनी मेहनत करके हम लोग लगाते थे गोंद से चिपका चिपका के, आटे की लही बनाते थे। हाँ, आटे की लही चिपका चिपका के, आटे की लही बनाते थे। हाँ, आटे की लही। हाँ भी नताशा, नताशा मैं चाहना कि तेरा शेर मैनू कट्टे, मेरे गिट्टे नू शेर नहीं मैनू कट्टे, मेरे अंदर दे शेर नू जख्मी कर दे, मैं नहीं करना चाहती, मेरा गिट्टा छिल दे एंज करके। नताशा, ओहो ब्रो ब्रो, जो दर्दें हो रही है ना आज तो टांगे शल हो गई हैं ब्रो। सारा वेट मेरा था टांगों पे और कमर ही देर में ऐसे ऐसे करता रहूंगा, मैं सारा वेट मेरा था टांगों पे और कमर पे, क्योंकि मैं बैठा नहीं एक सेकंड भी, वहाँ जगह ही नहीं थी मेरे लिए। आप बैठ गए थे ना, मैं फिर पहले तो मैं जूते बचाता रहा कि गीले ना हो। वो जब एक दफा मेरे जूते गीले हो गए ना, साइड पे बैठा था मैं, दोनों पैर अंदर, उसके बाद ही तो मुझे ये आईडिया आया था रूम टेम्परेचर पानी वाला। वो पता क्या हुआ, जब मैंने यूं करके ठंडे पानी में अपना एक सॉक्स वाला पाँव रख के यूं निचोड़ना चाहा ना, और दोबारा मैंने बाहर पानी गिरा हुआ था ऑलरेडी, जो ठंडा गर्म हो चुका हुआ था, रूम टेम्परेचर हो गया हुआ था, मैं क्या लो भाई ऐसे कहानी मैंने समझ आ गई है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में आधे घंटे में मुझे समझ में आ गई। नताशा, बंदा पास से गुजरता हुआ कह ही देता है कि देखो पानी रूम टेम्परेचर पीना चाहिए। आप बहुत दूर थे और तो तुम करीब आ जाती नताशा, मैं केरा बॉर्डर लाया सी। बाहर जो इतना गिर रहा था ना, जब मैंने ठंडे पानी में से पाँव बाहर रखे ना, तो मुझे एकदम सुकून आया, क्योंकि मेरे पाँव ठंडा इतना हो गया था, वो नीचे जमा हुए हुए पानी में जो मेल्ट हो रहा था डब्बे के अंदर। तो मैंने कहा ये तो बाहर ही पानी गिरा हो और बाहर से ही रूम टेम्परेचर बना बना, और इनके सुकून को शड़प दो हैं। और फिर मैंने एक सेकंड का ब्रेक नहीं लिया, मैंने पानी बाहर गिराए, उनको पहले रूम टेम्परेचर पे लाई, फिर मैं टॉवर में भरती गई और मैं करती गई। आपका गला खराब है, रूम टेम्परेचर पानी पीना, रूम टेम्परेचर आ गया बस, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से यार, वरना पजल तो मैं यूं नहीं बना सकता। सब यही समझ रहे थे कि ये बाहर घूम रही है ऐसे ही। मैंने कहा हाँ यार मैं टाइम पास कर रही हूँ क्या। फैजान ने भी मुझसे पूछा, मैंने कहा यार आई एम किलिंग टाइम। ओ भाई जिसकी एक ही बुरी होती है, मैं तो बर्फ दे तरले ही बड़े मारे ने, मैं कहा तेरी मेहरबानी। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बर्फ में से ये कार्ड बहुत नीचे है, ये तो 12 घंटे में भी मेल्ट नहीं होगा, ये क्या होगा। तो पब्लिक जितवाती रही है, अल्लाह का शुक्र है हर दफा। ये मैं पहला टास्क जीती हूँ एक्टिविटी है, साढ़े नाल भी यही होया, तो तुसे जज्जा ना सी ना फेर, मैं थानू रोकिया सी, इट वाज योर डे ब्यूटीफुल। मेरा तो सारा फोकस पिंग पोंग बॉल पे चला गया ना।
मैं तो पजल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप सब उसको रगड़ने में लगे हुए थे और मैंने तो 3-4 घंटे किया ही है, जिसकी वजह से मेरा ये हाथ नहीं, मैंने खुरचा भी काफी देर, फिर रगड़ा, फिर खुरचा, मैंने तो हाथ अंदर इतना मारे तेज, मैंने आधे घंटे में रियलाइज कर लिया था कि इसको यूं खुरचने बहुत है, जिसकी वजह से मेरा ये, मैंने तो जो 18 गज वाला भारी तौलिया ने जोड़ा था, मेरी तो एक तरह से गीला करूं वो और वजनी हो जाए, मैं कोई यार की करा मैं। अच्छा मैं यूज भी छोटा ही टॉवल करती हूं तो मैंने अपने दोनों छोटे। तेरी क्या बात है नताशा, की करिए नताशा, थे की करिए, की करिए, यू आर गर्ल अनसिपल नताशा, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम अ वेरी नॉटी स्टूडेंट, यस आई नो दिस। मैं हमेशा प्रिंसिपल्स का फेवरेट रहा हूँ, है ना, नॉटी स्टूडेंट, नॉटी स्टूडेंट है। एक आज स्कूल में तो मैं प्रिंसिपल्स के घर वालों का भी फेवरेट रहा हूँ। वाह 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 वाह, किसमें? ओ तेरी याद आती है रे एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे, माही वे फैजान, रात में उन्होंने कौन कर दिया था, करके बंद किया था, मैंने नोट किया था, मैं अंदर जा गया, वो हो गया होगा उनसे, मैं गा रहा था ऑन हो गया, मैंने एंजॉय करना शुरू हो गया, साथ ही मिला भी देना। और क्या? हम तो हमें लगता है कल से हमें ऊपर से पर्चियां भी गिरे करेंगी, ये वाला लगा है। ये फरमाइशी नोट के ऊपर पर्चियां लपेट के आएगी। देखिए हम आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे, आप भी हमें उसके पीछे कोई टॉफी गोली बबल चिपका के भेज सकते हैं। मेरे पास घर में कॉन्गो था, कॉकरोच कॉन्गो, खाने के 10 मिनट्स तो क्योंकि अंडों का कल तो मतलब शोरबा होता है, काफी लोग भूखे ही रह गए थे यार। हाँ जी, आप शोरबा अच्छा बनाती हैं तो उसका शोरबा बड़ा अच्छा बनेगा। किसका? अंडे का, अंडे, अरे नहीं उबले हुए अंडे नहीं ब्रो, खागीना टाइप, खागीना, अच्छा खागीना, मतलब जैसे मैं मसाला बनाती हूँ प्याज और टमाटरों का, अरूबा को भी बुला ले, समझिए, ओके, मजेदार बने। Fair enough. All right. तेरे इंतजार में, क्योंकि दुख वाली बात ये है, दुख वाली बात ये है कि हमारे पास चूल्हा काम का सिर्फ एक है, वरना तो बहुत कुछ बन सकता है। Agreed. Neil, flight attendant, Nehab. How may I help you, sir? Well. Maybe later. और मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही अच्छा हो गया, एटलीस्ट कम खा रही हूँ। Would you like to have some water or tea? I would like to have some water with some. शुक्र। Water. सुनाए ना मिस्टर दानिश मकसूद अपने आलाप, मैं सुनना चाहती हूँ। आलाप मारते हैं किसके कान में? उमर भाई सुनाएंगे। उमर भाई सुनाए। दानिश भाई आप से वो भाग रही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो पेड़ों में अंदर नीचे घुस घुस के, यार वो आप वो भी कहती होगी यार मैं कितने इस स्प्रे को मैं यहाँ से उठा के, यार दानिश भी कल आपने हमारे सांस उखाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसको स्प्रे करके मेरा सारे इमोशंस आपने ना बर्बाद कर दिए एकदम स्प्रे चला। अच्छा, आपको क्या लगता है? अरे भैया, अरे अरे दुनिया की मखलूक, अरे वो देखो, अरे नजर आई अर्थ की मखलूक, वो भी बेचारा मैं देख के ना फौरन पर्दे में चला नहीं पा रहा, वो कहेगा ये ऐसे खड़े हो जाएंगे। दुनिया की मखलूक, हम वोकल कॉर्ड से गाते हैं, ये नेजल कॉर्ड से गाते हैं, जैसे ही ये गाने का मूड बनाया आपने देखना ये ऐसे हो जाएगी। मैं तोता हूँ। एक डब्बा, अरे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें अपने गेम करा दे, जरा यहाँ एक उदास वाला एक्सप्रेशन भी दे दे, सब खुश है और तू सबको देख रही है। अच्छा वो क्या कहते हैं, कोई मूवी भी आने वाली है ना? कौन आने वाली है?
हमारे पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है उसके साथ रेगिस्तान भी लगता है, तो वहाँ पे जो आते हैं ना छुप के जा रहे होते हैं, जब फिर क्योंकि रेगिस्तान मेरे फादर ड्यूटी से करते रहे तो वो कहते हैं कि रेगिस्तान के ना हम लोगों ने पॉइंट्स रखे होते थे, कहते भाई साहब घूम गए तो आप घूम गए, फिर आपके पास जीप है गाड़ी है आप नहीं बच सकते वहाँ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं, सब एक जैसा लग रहा होता है। कहते वहाँ पे जब जाते थे हम लोग तो लोगों की लाशें पड़ी होती थी और स्केलेटन्स पड़े होते थे, तो बेचारे ऐसे निकलने की कोशिश करते हैं तो घूम गए, ना पानी है ना खाना है, वहीं पे गए और कहते हर कदम पे ऐसे लाशें और या फिर किसी किसी कोई भाग रहा होता था तो डिहाइड्रेशन ऐसे गया और वहीं पे गया, बच्चे पूरे जवान औरतें। मेरे ख्याल से वो लोग लकी होते हैं जो पकड़े जाते हैं और उनको वो वापस यार अभी जो एक शिप जो डूबी थी जिसमें लोग जा रहे थे वही ओफ अल्लाह वो इतना बुरा सीन हुआ है, जानबूझ के पाकिस्तानी मार रहे उनको, वहाँ की आर्मी ने बाकायदा मार रहे थे। मैं पानी लेके आता हूँ फिर कंटिन्यू करते, कल सिर्फ